आदर प्रणाम। इस महाविद्यालय में आना हमेशा ही एक सौभाग्य का फल रहता है मेरे लिए, और दो विद्वत्जन खासकर प्रधानाचार्य मेरे बड़े भाई और कुशली प्रताप सिंह जी, और जो दूसरे सज्जन हैं उन्हें अनुष का हूँ, सखा का हूँ, मित्र का हूँ, उसमें हमेशा लोधा में रहता हूँ आचरण जी। और आते ही मैंने एक छोटी सी आपत्ति की, ये अतिथि शब्द हटा देते तो बड़ा मेरे लिए बेहतर होता, कि अपने ही एक आत्मीय जुड़ाव से लगी हुई संस्था में आने अतिथि जैसा भाव तो हो ही नहीं सकता। मुख्य रूप से आज इस विषय वस्तु पर आपसे संप्रेषण करने के लिए, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, जो वहां कर्मयोगी के रूप में ही मैं उन्हें देखता हूँ, श्री प्रफुल्ल केलकर जी का जो आगमन आपके यहाँ है, शायद न्यूनतम मैं आपके और उनके बीच में आऊँ तो ज्यादा बेहतर होगा। विषय को जिस प्रकार से वो रखते हैं और निरंतर उनका दबाव ये रहता है कि मैं छात्र छात्राओं के साथ बातचीत करना चाहूँगा। कल का भी जो कार्यक्रम था विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने मुझसे यही पूछा छात्र छात्राएं मिलेंगे कितने मुझे, और आज भी यहाँ आने के पहले उनका यही प्रश्न था। वे हम लोगों से ज्यादा, आप लोगों से बातचीत करने में ज्यादा उनकी दिलचस्पी रहती है, और उनके विषय में बस आपको मैं विषय के संबंध में बोलने की बहुत दृष्टता नहीं करूंगा, क्योंकि प्रफुल्ल जी जिस तरीके से विषय को रखते हैं, उस प्रकार से विषय को रख पाना और आपसे संप्रेषण स्थापित कर पाना, ये उन्हीं की बस की बात है, ये मेरे बस की बात कतई नहीं है। देश का सबसे पुराना गौरवशाली राष्ट्रवादी पत्र, जिसको गवर्नर के नाम से हम लोग जानते हैं, नई दिल्ली से प्रकाशित होता है, आप उसके संपादक हैं, और देश से जुड़ी जितनी भी चिंतनीय विषय हैं उन पर निरंतर आपकी एक पैनी और गहरी दृष्टि रहती है। उसकी महत्वता यह है कि वो दृष्टि जो है वो भारत के संदर्भ में है, वो इंडिया के संदर्भ में नहीं होती, दोनों में बहुत अंतर है, वो आपको प्रफुल्ल जी समझाएंगे। और अतिरिक्त इसके उनकी जो एक अल्पायु में लंबी यात्रा है, वह उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभार के लाई है जिसको विषय का ज्ञान तो है ही है, और विषय के ज्ञान के साथ साथ भारत की जो चिंतन की परंपरा है और उससे हटकर के उभरती हुई जो समस्याएं हैं, शायद बहुत लोगों के साथ मेरा संप्रेषण होता रहता है, बातचीत होती रहती है, लेकिन उनकी जो अपनी दृष्टि है वो अपने आप में बड़ी अद्भुत है। और अरुणाचल अखबार के संपादक के अतिरिक्त आप तमाम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यों को देख रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के आप महत्वपूर्ण सदस्य हैं, नेशनल बुक काउंसिल और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में आप राष्ट्रपति के नामित सदस्य हैं, और खासकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया पर आपका जो अकादमी कार्य है, वो कहा जा सकता है, जिसको हम लोग अकादमी भाषा में कहते हैं, कि एक बात ब्रेकिंग काम है। तमाम चर्चाओं के पश्चात बड़ी आसानी से वो चीजों को समझाते हैं, लंबी मेरी उनसे बातचीत होती रहती है।